राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामले पर नगर निगम ने तत्परता दिखाते हुए डेंगू से बचाव के लिए शहर भर में फॉगिंग के 5 वाहनों को रवाना किया। शहर के 100 वार्डों में डेंगू के लाखों को खत्म करने के लिए लार्वा को खत्म करने के लिए फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने आदेश जारी किए थे, जिसके बाद शहर में बड़े पैमाने पर फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीते रोज राजधानी देहरादून में 45 नए मरीज डेंगू के मिले थे। वहीं अब तक 716 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 45 से 55 केसेस हमारे देहरादून क्षेत्र में पॉजिटिव आ रहे हैं डेंगू इलाइजा में। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब के आदेश थे कि हम लोगों की तरफ से वृहद फॉगिंग अभियान और लार्विसाइडल का छिड़काव जो है बड़े स्केल पे किया जाए। चूंकि हमारे वार्डों में तो 100 वाहन पूर्व में ही चले रहे हैं जो घर घर जाके फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में और साथ ही साथ जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां पे ये कार्य जो है पूरी जो है उसके साथ 100% प्रतिक्रिया के साथ नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने आज 5 अतिरिक्त वाहन जो है, 2 जो पहले चल रहे थे उनके अलावा 5 अतिरिक्त वाहन मुख्य मार्गों पे और ऐसे क्षेत्रों में जो अभी तक वंचित रहे हैं वहां पे वृहद फॉगिंग जो है वो जारी रही।